सोशल हार्मनी का कोई खतरा नहीं हुआ, खतरा आप पैदा कर रहे हैं अननेसेसरली। नहीं आप पैदा मत कीजिए, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वही जो कुछ के कुछ भी करने का नहीं है भाई, वो आमतौर पर आए कुछ गलती करे, वो लोग कुछ गलती करे क्या? उन लोगों को उन लोगों का कहना है जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनका बोल रहे हैं, लोग कहते भाई अच्छा लोग नहीं कहते, क्या गलती की है वो लोग? वो लोग बाजब्ता वीजा लेके आए, वो घुसपैठ थोड़ी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मीडिया को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जी हाँ, जब मीडिया ने निजामुद्दीन मरकज के बारे में कुछ सवालात पूछे और कहा कि तेलंगाना आए हुए कुछ जमात के साथियों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप उनको सजा देंगे, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अच्छे से सुनाया और कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है और वो घुसपैठिया बिल्कुल भी नहीं है, वो भी आम नागरिक है और उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए जैसे हम लोगों की कर रहे हैं। इंडिया में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ करके 2000 पहुंच चुका है और 50 लोगों की से मौत बताई जा रही है। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के एक हॉस्पिटल में से कुछ डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया है। जी हाँ, सामान पूरा ना होने की वजह से डॉक्टर भी हॉस्पिटल को छोड़ रहे हैं, जो कि हालात के मुताबिक ये खबर बहुत बुरी है। 3 महीने से सैलरी ना मिलने की वजह से यूपी के एम्बुलेंस वर्करों ने हड़ताल कर ली है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक 3 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो नाराज है काफी और 19,000 के करीब एम्बुलेंस वर्करों ने हड़ताल कर दी है। यूके में कोरोना वायरस से मरने वाले 4 डॉक्टर हैं। जी हाँ, चारों के चारों मुसलमान हैं। इस वक्त उनकी तारीफ ट्विटर और सोशल मीडिया पे काफी हो रही है। जी हाँ, लोग उनकी फोटोज को शेयर करते हुए ये कह रहे हैं कि कैसे मुसलमान डॉक्टरों ने अपनी जान दे दी लोगों को बचाते बचाते और इस कोरोना वायरस की जंग में शहीद हो गए। हमारे पंजाबी भाइयों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जी हाँ, इन्होंने फिर से मदरसे के बच्चों को खाना खिलाने का जिम्मा उठा लिया है। भारत में कोरोना वायरस के कम केसेस को वजह कम टेस्ट की बताई जा रही है। जी हाँ, ये भी जा रहा है कि कम टेस्ट होने की वजह से भारत में कोरोना वायरस के कम केसेस मालूम हो रहे हैं। हो सकता है कि इन टेस्ट को बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कोरोना वायरस के लक्षण लोगों में ज्यादा तादाद में सामने आए। इस कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों में अगर ज्यादातर जो लोग थे वो असल थे बीमार पहले से ही। जी हाँ, डायबिटीज की मरीज, लंग्स की मरीज और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ या दवाई पर थे, इस वजह से उनकी मौत ज्यादा पाई गई है। उम्र दराज लोगों को ज्यादा मौत के घाट उतारा है इस कोरोना वायरस से जवानों के बनिस्बत, इसीलिए बूढ़े और बच्चों को सावधान रहने की इस वक्त काफी जरूरत है, क्योंकि मौत के घाट ये वायरस असल उन्हीं को उतार रहा है जो पहले से ही मेडिकल कंडीशन में थे। ये कोरोना वायरस सिर्फ बुरी ही नहीं बल्कि अच्छी खबरें भी लेके आया है। जी हाँ, लोगों को कम से कम साफ हवा सूंघने को मिल रही है, सांस लेने को मिल रही है, क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ गाड़ी घोड़े बंद है तो उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। उस पॉल्यूशन न होने की वजह से लोगों को एक फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खबर भी है लोगों की सेहत पर। निजामुद्दीन की क्या बात करें, इस वक्त सोशल मीडिया पे सिर्फ निजामुद्दीन मरकज की ही बात चल रही है। वहीं गोदी मीडिया टेलीविजन पे अपना जहर उगल रही है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया कहीं ना कहीं निजामुद्दीन मरकज को बचाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निजामुद्दीन मरकज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी पुलिस को इत्तला करने की। हमारे पास वो लेटर्स भी हैं जो उन्होंने पुलिस को और एसोसिएशन को पास ऑन किए थे। ट्विटर पर शेयर किए गए इन लेटर्स में यही लिखा हुआ है कि मरकज वालों ने पहले ही पुलिस को इत्तला कर दी थी इन सब चीजों के बारे में और ये भी कहा था कि उनके मरकज में बाहर से लोग आए हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं करी। जब भारत में 21 दिन का लॉकडाउन हो गया था तो उन लोगों को मरकज में ही रहने दिया, क्योंकि उस वक्त छोड़ देना उन लोगों को खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जब बात आगे आई तो बात खराब हो चुकी थी और पुलिस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद ना आने की वजह से मरकज वालों को मजबूरन उनको वहां रखना पड़ा, ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है। और खबरों की बात करें तो इस वक्त गोदी मीडिया पूरी तरीके से मौलाना साद के बारे में और उनके बयानातों के बारे में काफी क्रिटिसाइज करती हुई दिखाई दे रही है। उनमें से एक बयान ऐसा भी है कि मौलाना ने अपने बयान में कहा है कि मस्जिद से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है इंसान के मौत के लिए, और ये बात कुछ लोगों की समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर जहन में दुनिया घुसी हुई है तो मौत का डर तो वैसे ही उनको रहेगा, लेकिन ये बात किस कैटेगरी में की थी मौलाना साद ने, इस बात को समझने के लिए गोदी मीडिया को 1000 साल लगेंगे। मैं कोई मौलाना को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं खुद हाफिज कुरान हूं, मैं जानता हूं किस बिना पे उन्होंने ये बात कही होगी। और रही बात गोदी मीडिया की, तो उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए लोगों को बदनाम करने का और कुछ नहीं। खबरों के बारे में क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।